नमस्कार, मैं इमरान हसनी, पेशे से एक अभिनेता हूं और साथ ही एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी। ये कहानी जो आप देखने जा रहे हैं सन 2009 की है। उस रात अचानक मेरे एक क्लाइंट का फोन आया, तीन लड़कियों के साथ एक अजीब सा हादसा हो गया था और उसका कारण भी किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और नहीं तो क्या, हमारी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन तो बनता है ना। और तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक। पाहाओ। लो, मेरे बुझाने से पहले ही बुझ गए। अब फैन ऑफ करते। क्या हुआ, माचिस कहाँ गया? पता नहीं है। अरे यार, कमाल है, हवा भी नहीं चल रही है, फिर ये बार बार बुझ कैसे रहा है? मैं हाथ से कवर करती हूँ, तो फिर से जला। यार, ये कैंडल ही खराब है। छोड़ो ना यार, ऐसे ही काटते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नीला। कब, कहां और कैसे हम दूसरी दुनिया के रहस्यों का हिस्सा बन जाए, इसका पता नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हुआ बनारस के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली इन तीन लड़कियों के साथ।
पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इमरान हसनी ने बताया, नीलम, दिशा और स्मृति अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, लेकिन उनके पास दूसरी दुनिया के भी कुछ लोग रह रहे थे। इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। कुछ बच्चों की शैतान आत्माओं ने उस कमरे को घेर लिया था। दिन रात उन आत्माओं की हरकतें चल रही थी, लेकिन वो तीनों लड़कियां उन आत्माओं को देख नहीं पा रही थी। आखिर कौन थी वो आत्माएं और क्या चाहती थी उनसे? नीलम के जन्मदिन वाली रात वो तीनों चैन से सो रही थी, पर कोई नहीं जानता था। दहशत की वो काली रात उन्हें आने वाले खतरे की तरफ ले जा रही थी। स्मृति, नीलम, जल्दी करो यार, कितना टाइम लगाओगे? कहीं आज तुम्हारी वजह से फिर बस ना छूट जाए। सॉरी सॉरी सॉरी, आज हॉस्टल में कोई भी स्टाफ नहीं था ना, तो गर्म पानी मिलने में लेट हो गए। क्या हुआ, ऐसे क्यों चौंकी? मुझे लगा कि कोई है पीछे। हाँ ना, कल रात से कुछ गड़बड़ है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। देख स्मृति, तू फिर से शुरू मत हो जाना, जाके खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। हम लोग वेट कर रहे रूम में, जल्दी आ जा।
मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ प्लीज। कौन है तुम लोग? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। इतनी रात में तुम सब लड़कियां इतना शोर क्यों कर रही हो, जबकि जानती हो कि सबके सोने का समय है, उसके बावजूद भी? नीलम, नीलम, ये क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? बोलो, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ और पुलिस को भी इन्फॉर्म करो। जी। आप बताओ तुम दोनों। हमने कुछ नहीं किया मैम, हम तो सो रहे थे, अचानक से नीलम के उठने की आवाज आई, देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे उस पर हमला कर रहे थे, वो बच्चे उनको सब जगह से नोच रहे थे, अब अचानक आ गई, पता नहीं वो कहाँ चले गए। वो काफी डरी हुई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वार्डन के सामने अपनी बेगुनाही कैसे साबित करें। वार्डन ने सिक्योरिटी गार्ड के जरिए उन्हें उसी कमरे में बंद कर दिया था। एक तरफ उन बच्चों की आत्माओं का डर और दूसरी तरफ पुलिस के डर ने उन तीनों को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। वो हर हाल में उस कमरे से भागना चाहती थी। स्मृति और दिशा सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देकर वहां से भाग निकली, पर क्या पुलिस और शैतानी आत्माओं से वो बच पाएंगी? कोई नहीं स्मृति, चल निकलते हैं यहां से। तू ज्यादा सोच मत, चल भाग भाग यहां से। दिशा, स्मृति, 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 चलो। Please, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो।
दो हमको, हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज। तुम दोनों हमारी नौकरी छिनवाओगी, अभी तक यहीं पर हो, जाओ यहां से, इससे पहले कि पुलिस आ जाए, जाओ जाओ यहां से। दिशा लेके हम जाएंगे कहां? वो बच्चों की आत्मा तब भी हमारा पीछा करती रही तो वो हमें मारना चाहते, हमें कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। पागल हो गई है क्या? अगर यही रुके रहे और पुलिस आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पकड़ लिया तो क्या होगा? कल सुबह तक नीलम को होश आ जाएगा और वो सबको सच सच बता देगी, हम बच जाएंगे। लेकिन अगर उन आत्माओं ने हमें पकड़ लिया तो हमें कौन बचाएगा? और अगर नीलम को होश नहीं आया तो कोई तो होगा जो इन बच्चों की आत्माओं से हमारा पीछा छुड़वा सके। शायद एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। इतनी रात को अननोन नंबर कौन हो सकता है? हेलो। हेलो सर, मैं स्मृति बोल रही हूँ। सर, मेरी मुलाकात आपसे एक महीने पहले हुई थी जब आप बनारस आए थे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के सेमिनार के लिए। जी माफ कीजिए, कुछ ध्यान नहीं आ रहा। सर एक्चुअली मैं वही हूँ जिसने आपके सवालों के कुछ सही सही जवाब दिए थे और आपने खुश होकर ऑटोग्राफ वाली बुक दी थी। स्मृति, इतनी रात को फोन करने की वजह? कुछ आत्माएं हमारे पीछे पड़ी है और हमें आपकी मदद की जरूरत है। सर प्लीज मना मत कीजिए। आप शांत हो जाइए और मेरी बात का जवाब दीजिए। आप लोगों में से किसी की भी किसी के साथ कोई आपसी रंजिश है? हो सकता है कि आपसे बदला लेने के लिए उसने आप पर काला जादू करवाया हो, याद कीजिए। सर पूछ रहे तेरी किसी से कोई दुश्मनी है क्या? दुश्मनी तो कभी किसी से नहीं थी। हाँ मैदान में हाथापाई जरूर होती थी लेकिन दुश्मनी तो किसी से नहीं है। नहीं सर, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर पिछले कुछ दिनों में आपकी मुलाकात कोई अघोरी या कोई तांत्रिक से हुई है? हो सकता है कि जाने अनजाने में आप लोगों ने उनके अनुष्ठान को भंग किया हो। हाँ सर, एक्चुअली एक अजीब बात जरूर हुई थी। पिछले हफ्ते मैं और मेरे दोस्त गंगा के घाट पर टहलते टहलते काफी अंदर आसी घाट की तरफ पहुंच गए थे। शायद ये कुछ खा रहा है। लगता है ये किसी आदमी का मांस खा रहा है। जी, कितने गिरे होते हैं ये लोग यार। Thank you.
चलते जिस तरफ वो अघोरी गया। हाँ। अरे पता तो करते, सारी बातें सच भी है या नहीं? उसे जो करना है करने है तो ना, हमें उसे क्या, हम यहाँ से चलते हैं। सीधा सीधा बोलना कि तुम डर गए। तू बस इतना यकीन रख कि हम दोनों तुझे कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? चल। गेम गेम चामुंडा पिचेस फॉर आखिरकार समझ में आ गया कि माजरा क्या था। जिस दिन उन तीनों लड़कियों का सामना उस अघोरी से हुआ था, वो काली चौरस की रात थी। ये रात 100 साल में एक बार आती है और ऐसा माना जाता है कि इस रात को अगर सही तरीके से अनुष्ठान किया जाए तो कई प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसका ये लोग दुरुपयोग करते हैं। और उस रात अनजाने में उन तीन लड़कियों ने अघोरियों की इस क्रिया में बाधा डाली, जिससे वह अघोरी क्रोधित हो गए और इस क्रोध में उन्होंने उस लड़कियों के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया और उनके पीछे कच्चे कलवे छोड़ दिए। इस कारण उन तीनों लड़कियों की जिंदगी खतरे में थी। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया जाता तो वह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाती। मैं शहर से बाहर था, इसलिए मुझे उन्हें अकेले ही भेजना पड़ा, क्योंकि अगर मैं और देर कर देता तो बहुत देर हो जाती। जादू करने के लिए शर्मिंदा हो, शायद अपने किए की सजा मुझे मिल चुकी है। देखे,
लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? बच्चों की दुष्ट आत्माओं ने अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। लेकिन अपने श्राप से मुक्त किए बगैर आप नहीं जा सकते। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पर एक उपाय है। क्या? बच्चों के शरीर को शमशान में दफनाया है, जहां मैं रोज ध्यान लगाता हूं। बच्चों को अग्नि के सुपुर्द कर दो मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगी। ये सिद्ध त्रिशूल है, हमेशा अपने साथ रख के चलना, बुरी बला से दूर रखेगा। लेकिन एक बात याद रखना, देर करोगे तो वो बुरी आत्माएं तुम्हें नहीं छोड़ेगी। स्मृति, चलते, जो होगा सो देखा जाए, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। अब शायद ये हमारे काम आ सकता है, इसे भी ले चलते हैं। शमशान उस तरफ है। बहुत से अघोरी यहाँ पर अनुष्ठान करते हैं। दिशा, मुझे लगता है उन बच्चों की आत्मा भी हमारा पीछा करके यहीं आ रही है। अरे, तू ना आवाजों पर ज्यादा ध्यान मत दे। पहले पहले हमें उन बच्चों की लाश को ढूंढना है। चल। बच्चों को दफनाया गया होगा। मैंने ऐसा सुना है कि ये अघोरी लोग इसी तरह के चबूतरे बनाकर उन पर अनुष्ठान करते हैं। शायद, शायद बच्चों की लाश इसी के नीचे यही दफनाया उनको। चल।
हमें कुछ लाना होगा। अरे लाश को जलाने के लिए तो हम कुछ नहीं लेके आए, अब हम आग कहाँ से लगाएंगे? कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। दिशा एक काम कर, तू ये त्रिशूल अपने साथ लेकर जा और बाहर से कुछ जलाने के लिए लेकर आ, तब तक मैं यहीं इंतजार करूंगी। ले। पागल है क्या? अगर ये त्रिशूल मैं ले गई तो तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी? तो चिंता मत कर, मैं किसी चिता के पास जाकर बैठ जाऊंगी। मैंने अपनी दादी से सुना था कि चिता में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी बुरी आत्मा उसके पास नहीं आ सकती। तू जा, तू पागल मत बन। मुझे पता है अगर मैं तुझे अकेला छोड़ के गई तो तू ये एक सेकंड के लिए भी नहीं रह पाएगी। मैं तुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं दिशा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तू जा। ठीक है, मैं तुझे पहले चिता के पास पहुंचाऊंगी फिर जाऊंगी। ठीक है चल। जब तक मैं वापस नहीं आती तू यहीं रहना, कहीं मत जाना। तू जा, चिंता मत कर। तेरे कहानी पे विश्वास कर ले, और बोला ले चल इसे राजदीप में। सुनिए सर, उसे त्रिशूल दिशा के साथ पुलिस स्टेशन चला गया था। बेचारी स्मृति अकेले उसका इंतजार करते करते थक गई थी। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दिशा के आने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। डर उसके दिलो दिमाग पर छाने लगा था। तभी दूर से उसे कोई आता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। कौन था वो, फिर क्या हुआ? स्मृति, 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 दिशा, स्मृति,
घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आ गए, आपको कुछ नहीं होगा। बच्चों की लाश मिली? अब आपको थोड़ी हिम्मत करनी होगी, वहां जाके बच्चों के शरीर को अग्नि में सुपुर्द करना होगा। तब तक हम ये देखते हैं कि इन बच्चों की आत्मा को आप तक आने से कैसे रोके। सर, आग आग लगाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। दिशा गई थी इंतजाम करने के लिए, पर अभी तक नहीं लौटी है। कुछ तो उपाय ढूंढना ही होगा, कुछ करो। देखो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, इन निर्दोष लड़कियों को क्यों परेशान कर रहे हो आप? तुम्हें हम इन सब चीजों से, इन सब परेशानियों से मुक्ति दिला देंगे। देखो तुम ऐसा मत करो प्लीज। देखो ये आत्माएं मान नहीं रही है, तुम आग जल्दी लगाओ। भागो स्मृति, स्मृति आग जल्दी लगाओ, ये आत्माएं मान नहीं रही है। स्मृति आग जल्दी लगाओ, स्मृति स्मृति आग लगाओ। स्मृति आग जल्दी लगाओ, ये आत्माएं मान नहीं रही है। स्मृति आग लगाओ। आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई गई है, किसी भी इंसान को यह अधिकार नहीं है कि एक मासूम से उसका बचपन छीन ले। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सबको मुक्ति दे। बच्चों की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उन बच्चों की आत्माओं की मुक्ति से यह कहानी खत्म नहीं हो जाती। आज भी ऐसे बहुत सारे तांत्रिक और अघोरी हैं जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को पकड़कर उन्हें मारकर उनकी आत्माओं से अपने मन चाहे काम करवाते हैं। इन्हीं को कच्चे कलुए कहते हैं। कच्चे कलुए बनने के बाद मासूम बच्चों की आत्माएं बहुत ही भयानक रूप ले लेती हैं। यह एक तरह का पाप है जो सदियों से चलता आ रहा है। दिशा और स्मृति अलग अलग शहरों में शिफ्ट हो गए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इमरान हसनी के मुताबिक वो उन बुरी यादों से निकलने के लिए आज भी उनसे ट्रीटमेंट लेती हैं। दहशत की दास्तां में फिर लेकर आऊंगा डर की एक अनसुनी कहानी। देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।